डेंगू से पीड़ित शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान को गहरा झटका लगा है। शुभमन गिल को अब डेंगू को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में उनका पाकिस्तान के 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना संदिग्ध है। बता दें कि शुभमन गिल 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के ओपनिंग मैच में भी नहीं खेल पाए थे, तो वहीं उनका 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना भी संदिग्ध है। डेंगू होने के बाद स्टार बल्लेबाज को चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में उनका पाकिस्तान के खिलाफ खेलना तय नहीं माना जा रहा है। बता दें कि शुभमन गिल का प्लेटलेट काउंट गिर गया है। BCCI की मेडिकल टीम भी उनकी निगरानी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि उनकी हेल्थ प्रोग्रेस को देखते हुए ही अगला फैसला किया जाएगा। अभी यह तय नहीं किया जा सकता कि वह पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए फिट होंगे या नहीं। ऐसे में ये टीम इंडिया के वर्ल्ड कप अभियान के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है।